नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन घुले और सामने आप देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन। यार ये जो है ना टाटा नेक्सॉन का डार्क एडिशन है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये देखिए, ये है हैशटैग डार्क। ये जो है डार्क एडिशन है और यार देखने में ये जो कलर है ना इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है। टाटा जो डार्क एडिशन या ब्लैक कलर जो इंट्रोड्यूस किया है या फिर ये जो एडिशंस उसने निकाले हैं एक के बाद एक, वो कंटिन्यूस एडिशन निकालता है। डार्क एडिशन उसका देखा हमने, उसके बाद काजीरंगा एडिशन देखा, जेट एडिशन, तो ये सारे एडिशंस के साथ में वो इतने बढ़िया, मतलब अपने लुक्स को और अपने जो कलर के साथ इतने बढ़िया कॉम्बिनेशन लेके आ रहा है हमारे लिए। और पर्सनली मुझे ये जो कलर है डार्क काफ़ी बढ़िया ये लगता है। नेक्सॉन में आप देख सकते हैं ये जो डार्क एडिशन है कितना बढ़िया लग रहा है। वैसे ही अगर इसके सेफ्टी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो यार काफ़ी ज़्यादा तगड़ी ये कार है। आपको ये पता ही होगा कि ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिले हुए हैं। पूरे के पूरे 5 स्टार लेके आई है यार, सेफेस्ट कार है ये, और ये जो है सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो यार तगड़ी बिल्ड क्वालिटी तो मिलेगी इसमें आपको। साथ में ये जो आप एडिशन देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत आई कैची ये डिज़ाइन लगता है। उसके साथ में ये कलर कॉम्बिनेशन इसको जो है ना नेक्स्ट लेवल का बना रहा है। तो चलिए जो है हम इसकी आज टाटा नेक्सॉन के डार्क एडिशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये प्राइसिंग की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जो प्राइस है वो मैटर करता है कि यार आपको किस प्राइस रेंज में ये ऑफर होती है। तो सामने आप जो देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन का एग्जेड प्लस वेरियंट है। ये एग्जेड प्लस प्रीमियम एडिशन है, जो डार्क एडिशन में जो टॉप मोस्ट इसका जो मॉडल है, जो वेरिएंट है, वो है ये। और ये जो है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी ऑफर होता है। पर्टिकुलर ये जो है ये पेट्रोल इंजन के साथ में है। अब इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो आपको ये एक्स शोरूम आ जाती है 11,97,900 रुपीज़ की, और इसकी अगर ऑन रोड कॉस्ट की बात करें तो ये 13,95,000 में ऑन रोड आ जाती है। ये जो प्राइसिंग है ये बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है, और इस वक्त हम हैं सुनील ऑटोमोटिव टाटा शोरूम बालाघाट में। तो ये जो सारी प्राइसिंग है आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको टाटा के किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर इस कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल है और इनके शोरूम की जो एड्रेस है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट कॉल करके या विजिट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए जो डार्क एडिशन है इसको हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है आपको। ये जो है टॉप मोस्ट वेरियंट है एग्जेड प्लस प्रीमियम 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का। तो सबसे पहले इसकी जो चाबी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो है आपको ऐसी कुछ चाबी देखने को मिल जाती है। ये जो है रिमोट की के साथ में आपको ऑफर होती है, और यहाँ आप देख सकते हैं, जल्दी से हम देख लेते हैं, यहाँ आपको लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट में अगर आप देखें तो यार फ्रंट के जो लुक्स है ना काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हैं इसके, और काफ़ी बढ़िया इसकी स्टाइलिंग लगती है मुझे। अब फ्रंट की अगर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एक पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाता है, यहाँ पर टाटा का लोगो। नीचे साइड अगर देखें तो आपको यहाँ पे एयर वेंट्स मिल जाते हैं। हेडलाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो प्रोजेक्टर है वो दिया हुआ है। अब ये जो है लो बीम के लिए प्रोजेक्टर मिल जाता है और हाई बीम के लिए आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस्ड है। अब ये प्रोजेक्टर जो है येलो बल्ब के साथ में ही आता है, एलईडी का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। और यहाँ जो ये ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर आपके डुअल फंक्शनल, यहाँ पर आपको एलईडी डीआरएल भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपके जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी इंटीग्रेट किया हुआ है। नीचे अगर देखें तो आपके फॉग लैंप का सेटअप किया हुआ है। देखने में यार जो फ्रंट के लुक्स हैं कुछ ऐसे आते हैं टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन के, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी मैच्योर डिज़ाइन लगता है टाटा नेक्सॉन का। अब अगर इस साइड अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके जो टायर हैं और जो आपके अलॉय व्हील्स हैं ये भी पूरे ब्लैक आउट किए हुए हैं, जैसे कि ये डार्क एडिशन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डार्क थीम जो है उसको फॉलो किया गया है। अब इसके अगर प्रोफाइल की बात करें हम तो यहाँ आप देख सकते हैं 215/60R16 इंच के इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, और ओवरऑल जो इसका कम्फर्ट है काफ़ी बढ़िया है। व्हील आर्चेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि पूरी क्लैडिंग दी हुई है, और यहाँ अगर देखें तो आपको हैशटैग डार्क का जो बैज है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ओवरबीएम की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। अब यार मैं भी क्या ग्लॉसी ब्लैक फिनिश बोल रहा हूँ, पूरे की पूरी जो कार है वो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में शाइन कर रही है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। यहाँ पे जो है आपके टर्न इंडिकेटर्स है जो एलईडी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, और ओवरऑल जो इसके जो लुक्स आते हैं साइड से काफ़ी बढ़िया आते हैं। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें टाटा नेक्सॉन की तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अंडर 4 मीटर ये कार है, तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 3993 mm है। इसकी अगर विड्थ की बात करें तो इसमें 1811 mm की इसकी विड्थ मिल जाती है। व्हील बेस की बात करें तो इसमें 2498/2498 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है। इंटीरियर का स्पेस जो है इसका काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाला है। साथ में अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, यार कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आपको 209 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो अगेन काफ़ी बढ़िया है। और इसके साथ में इसके अगर ओवरऑल
साइड लुक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो साइड लुक्स हैं वो कितने बढ़िया आ रहे हैं इसके। अब जो है हम रियर प्रोफाइल में देख लेते हैं क्या क्या चीजें ऑफर होती है। और यहाँ अगर देखें तो ये पूरा सेटअप आपको एलईडी मिल जाता है, और यहाँ पे अगर टर्न सिग्नल्स और रिवर्स पार्किंग लैंप देखें तो ये आपको हैलोजन बेस्ड मिल जाते हैं। अब अगर रियर साइड में अगर देखें तो यहाँ पे आपको डिफॉगर प्लस रियर वाइपर दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। टॉप साइड में अगर देखें तो यहाँ पे आपके इंटीग्रेटेड स्पॉइलर में आपको एक हाई माउंट स्टॉप लैंप भी देखने को मिल जाता है, और ऊपर साइड अगर देखें तो आपको एक शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ अगर देखें तो आपको टाटा का एक लोगो मिल जाता है, नीचे आपको एक कैमरा मिल जाता है, उसके नीचे आपको नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है। अब ये जो है आप नेक्सॉन देख सकते हैं यार, पूरा डार्क में लिखा हुआ है, तो ये थीम को बिल्कुल फॉलो किया हुआ है। अब अगर यहाँ पे देखें आप तो आपको रियर साइड में जो आपके पार्किंग सेंसर हैं टू पॉइंट्स आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके दो रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। नीचे ट्राई एरो का डिज़ाइन आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं जो रियर लुक्स है कुछ ऐसे आते हैं टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन के। अब जो है हम टाटा नेक्सॉन के बूट स्पेस को देख लेते हैं कितना स्पेस इसमें ऑफर होता है। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर है, इसको क्लिक करते ही ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर हो जाता है, और इसके नीचे अगर देखें तो आपको 350 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी डीप दिया हुआ है इसमें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी बूट लाइट भी दी हुई है, और उसके ऊपर देखें तो आपको हुक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं और यहाँ पे दो, मतलब टोटल आपको चार हुक्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी डीप स्पेस दिया हुआ है। इसके नीचे जो है आपका स्पेयर व्हील दिया हुआ है, तो स्पेयर व्हील देखें आप तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 195/60R16 फुल साइज का इसमें आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है, ये काफी बढ़िया चीज है। आपको स्टील रिम इसमें मिल जाएगा, और यहाँ अगर देखें तो पूरा क्लैडिंग दिया हुआ है, और यहाँ से आप अपना जो बूट है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम बंद कर देते हैं। अब जो है लेफ्ट साइड प्रोफाइल में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक फ्यूल फिलर कैप देखने को मिल जाता है। अब इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसमें आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो काफी बढ़िया है। इसके जो माइलेज है वो भी काफी बढ़िया है, 1.2 लीटर टर्बोचार्ज जो इंजन इसमें लगा हुआ है उसके साथ में आपको इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है, और साथ में इसका जो माइलेज है वो आपको 17.5 kmpl का इसमें ARAI के साथ में क्लेम्ड माइलेज मिल जाता है। तो ये कुछ आपको देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है 360 एक्सटीरियर का जो सारा कुछ है हमने देख लिया है। अब जो है हम इंटीरियर का देख लेते हैं, अगर कुछ मिस डाउट हो गया होगा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता देना। डोर साइड अगर देखें तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो डोर है ओपन हो जाएगा, जैसे कि इसमें कीलेस एंट्री दी हुई है। अब इसको ओपन करके हम इनसाइड में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है। तो डोर की बात करें, यहाँ पे डोर पैनल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा ब्लैक थीम दिया हुआ है। यहाँ अगर देखें तो पियानो ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है, और यहाँ अगर लीवर देखें तो ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में दिया हुआ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और जो आपका ORVM है उसको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे स्पीकर का ग्रिल दिया है। स्पीकर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको चार स्पीकर और चार ट्विटर का इसमें सेटअप मिल जाता है। अब यहाँ अगर देखें सीट्स को तो पूरा ब्लैक यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये जो सीट्स हैं ये भी वेंटिलेटेड सीट है, ये जो है आपको प्रीमियम में ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ अगर देखें तो आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, पूरी लेदरेट सीट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा इसमें जो फील है और इसका जो कम्फर्ट है काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। सीट काफ़ी वाइड है तो कोई भी इसमें इशू नहीं आने वाला कम्फर्ट का। अब यहाँ आप सीट में देख सकते हैं कि हैशटैग डार्क भी दिया हुआ है। अब इनसाइड में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है। तो ऐसा कुछ आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है टाटा नेक्सॉन में। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपको सारे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टेलीफोनिक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे अगर देखें तो आपको क्रूज कंट्रोल के सारे जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील जो है पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ दिया हुआ है। यहाँ अगर देखें तो पूरा लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है। अब सेंटर में अगर देखें तो टाटा का लोगो है, और यहाँ पे जो है आपको एक एयरबैग मिल जाता है और एक पैसेंजर साइड, मतलब डुअल एयरबैग का इसमें सेटअप किया हुआ है। सेफ्टी की बात हो ही रही है तो यार सेफ्टी तो इसकी बहुत तगड़ी है, 5-star सेफ्टी रेटिंग इसमें मिली हुई है इसको ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में, और साथ में इसमें ABS EBD और बहुत सारे सेफ्टी के फीचर्स इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे इतने और इसमें सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है। तो उससे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो वाइपर के कंट्रोल्स है यहाँ पे दिए हुए हैं, और राइट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे आपके जो हेडलाइट है उसके कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसके एडजस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको तो ये जो है टिल्ट, सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में ही आता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिला है। अब यहाँ अगर देखें तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ अगर देखें तो आपको टैकोमीटर दिया हुआ है, सेंटर में आपकी MID दी हुई है, तो यहाँ आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको TPMS भी दिया हुआ है। यहाँ अगर देखें तो टेम्परेचर गेज, और यहाँ आपका फ्यूल गेज।
अब इसको अगर आपको चेकआउट करना है तो यहाँ जो आप बटन है इसको क्लिक करके आप बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेकआउट कर सकते हैं। आपकी जो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है, आपका जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ अगर देखें तो थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है, नीचे आपके 3 पेडल्स मिल जाते हैं जैसे कि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, और एक डेड पेडल यहाँ देखने को मिल जाता है। अब सेंटर कंसोल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है 7 इंच का, ये जो है हरमन पावर्ड है। इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी आपको बढ़िया मिलने वाली है, तो इसकी तो कोई इशू नहीं है यार, बहुत बढ़िया क्लास लीडिंग मैं बोलूँगा इसके जो साउंड क्वालिटी है उसको। नीचे अगर देखें तो एसी के वेंट्स, और उसके नीचे यहाँ पे आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि पूरा पियानो ब्लैक किया हुआ है, पूरा का पूरा ब्लैक थीम में दिया हुआ है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके नीचे अगर देखें तो आपको एसी जो है उसके कंट्रोल्स दिए हैं। अब ये एसी जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में आ जाता है तो काफ़ी बढ़िया है। नीचे अगर देखें तो थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, और यहाँ अगर देखें तो एक एक्सप्रेस कूल का भी बटन दिया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया फीचर है। उसके पीछे अगर देखें तो यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। तो यहाँ अगर देखें तो आपके तीनों मोड्स दिए हुए ड्राइविंग के, सिटी, इको और स्पोर्ट, ये 3 मोड्स आपको मिल जाते हैं। उसके पीछे अगर देखें तो यहाँ पे आपका हैंडब्रेक दिया हुआ है। उसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपका जो आर्म रेस्ट है वो दिया हुआ है, तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। नीचे भी आपको जो स्पेस है काफी मिल जाता है, ये जो है शटर यहाँ पे लगा हुआ है तो स्पेस काफी दिया हुआ है इसमें। चलिए इसे मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ अगर देखें तो आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ये जो है काफ़ी सॉफ्ट ओपनिंग के साथ दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको काफ़ी डीप स्पेस मिल जाता है, एक आपको डेडिकेटेड लाइट भी मिल जाती है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है कूल ग्लव बॉक्स है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है, स्पेस काफ़ी बढ़िया है इसमें। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है, पूरा का पूरा ब्लैक दिया हुआ है। सेंटर में अगर देखें तो आपको यहाँ पे आपकी लाइट मिल जाती है कैबिन, और यहाँ अगर देखें तो आपको माइक मिल जाता है। अब ये जो बटन्स है ये सनरूफ के कंट्रोल्स के बटन है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको इसमें सनरूफ भी ऑफर होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो IRVM है ये भी ऑटो डिमिंग है, तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। अब यहाँ अगर देखते हैं हम तो यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ से मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये जो है इलेक्ट्रिक सनरूफ है, तो इसको सबसे पहले हम पीछे कर लेते हैं, और यहाँ अगर आप देखें इससे, इस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो सनरूफ है वो ओपन हो जाएगा। इसकी जो ओपनिंग है आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन इतना पीछे गया, काफ़ी बढ़िया इसकी ओपनिंग है, काफ़ी वाइड ओपनिंग है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ये हो गया फ्रंट का। अब जो है मैं रियर सीट का कम्फर्ट आपको दिखा देता हूँ और रियर साइड में क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है। तो ये सीट मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, तो ये जो है अब मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई है। अब जो रियर सीट का कंफर्ट है वो हम देख लेते हैं कितना स्पेस इसमें ऑफर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डोर पैनल है यहाँ पे आपको एक पावर विंडो का बटन मिल जाता है, यहाँ स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में आपको दिया हुआ है, नीचे थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, बॉटल होल्डर दिया हुआ है, और यहाँ पे स्पीकर का ग्रिल। अब यहाँ अगर देखें तो आपके जो सीट्स हैं कुछ ऐसी ऑफर होती है, काफ़ी वाइड सीट है और इसका जो कम्फर्ट है काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है आपको। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है, और एक आपको डेडिकेटेड आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, और यहाँ अगर देखें तो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से आपको चाइल्ड एंकर पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पे मैं बैठ के आपको दिखा देता हूँ कितना स्पेस ऑफर होता है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ मैं बैठ गया हूँ तो लेग रूम कितना बढ़िया मेरे को यहाँ मिल रहा है, काफ़ी डिसेंट लेग रूम है, और नीचे भी स्पेस देखें तो काफ़ी बढ़िया है। मेरी जो हाइट है 5'9" है, और मेरे हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी स्पेस इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ जो सीट है वो एडजस्टेड है, और यहाँ मेरे को बहुत बढ़िया लेग रूम मिल रहा है। नीचे भी अगर देखें तो आपको माइनर सा एक हम्प देखने को मिल जाता है, यहाँ अगर देखें तो आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया ये सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। तो रियर सीट से कुछ ऐसे लोग आते हैं फ्रंट डैशबोर्ड के, ये जो है टाटा नेक्सॉन का एग्जेड प्लस वेरिएंट है, ये हैशटैग डार्क एडिशन है, और ये जो है टॉप मोस्ट मॉडल है इसका, तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी प्रीमियम इसके जो डैशबोर्ड है वो दिया हुआ है इसमें, देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस आपको मिल रहा है, ये जो सीट है काफ़ी वाइड दी हुई है, तो 3 जो है इसमें एडल्ट इजीली बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है माइनर सा हम्प है तो कोई इसमें इशू नहीं है, बाकी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया स्पेस इसमें दिया हुआ है। अब जो है इसका जो इंजन है वो हम देख लेते हैं कि इसके इंजन में क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर होती है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे आपका जो बोनेट है वो ओपन हो जाएगा। ये है टाटा नेक्सॉन का 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। इसकी अगर पावर की बात करें तो इसमें आपको 118 BHP का इसमें मैक्सिमम पावर मिल जाता है, और इसमें साथ ही साथ आपको 170 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी पावरफुल इसमें आपको इंजन मिलने वाला है।
और इसके ओवरऑल जो पावर है काफ़ी बढ़िया है इसमें आपको मिलेगा, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, साथ में इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी वो भी काफ़ी बढ़िया है इसमें आपको मिलने वाली है। सेफ्टी के तो क्या कहने हैं यार, ABS EBD की यहाँ पे यूनिट लगी हुई है, और ओवरऑल जो है ना इसका जो टर्बो चार्जर है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है, काफ़ी पावरफुल इसमें इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ अगर देखें तो आपको एक्स्ट्रा इंसुलेशन दिया हुआ है NVH लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो ये कुछ लेआउट दिया हुआ है टाटा नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन का। सेम इसमें आपको जो डीजल है वो भी आपको ऑफर होता है, और इसमें आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो दोनों ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जो है ना इसका जो क्वालिटी है, ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है काफ़ी हैवी दिया हुआ है, और साथ में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया इसमें आपको मिलने वाली है। ओवरऑल जो है हमने देखा आज की आपको जो टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन है उसमें जो फीचर्स है कितने सारे मिलते हैं, फीचर लोडेड ये कार मैं बोलूँगा, बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको ऐसे मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जो वेंटिलेटेड सीट्स है ये वाला जो फीचर है पर्सनली मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव्स में जो है ना आपको इसका बहुत फील होता है, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स ना हो तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा। साथ में जो डार्क एडिशन का कलर है और ओवरऑल जो इसका जो लुक्स आते हैं, ये जो टाटा जो डार्क एडिशन निकालती है उससे बेस्ट मुझे किसी के नहीं लगते, और भी ब्लैक आपको कलर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो टाटा डार्क एडिशन निकालता है और ब्लैक कलर निकालता है उसके जो लुक्स हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो चलिए इस कार के हम प्राइसिंग की एक और बार बात कर लेते हैं। ये जो है टाटा नेक्सॉन का एग्जेड प्लस प्रीमियम डार्क एडिशन है, तो ये जो है इसकी अगर एक्स शोरूम की बात करें तो ये आपको 11.97 मतलब 11,97,000 में एक्स शोरूम आ जाता है, और ये अगर ऑन रोड कॉस्ट की बात करें तो 13,95,000 मतलब 13.95 में आपको ये ऑन रोड आ जाता है। और ये जो प्राइसिंग है ये बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है। तो कैसी लगी ये कार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो, कार अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, जय हिंद।